दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट वर्क कैसे करता है इंडिया में, या ऑल इंडिया में वर्क कैसे करता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको, पूरी जानकारी दूंगा वर्क कैसे करता है। अभी कुछ लोग तो ये जानते होंगे कि इंटरनेट वर्क सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट चलता है, पर ये गलत है। इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू नहीं चलता, इंटरनेट केबल्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है कंट्री टू कंट्री, उसके बाद इंटरनेट वर्क करता है। तो ये कैसे केबल से कनेक्ट रहता है, ये ओशियंस में, जो अपने ओशियंस हैं बाहर, सीज हैं, रिवर हैं, ये उससे कंट्री टू कंट्री उसके बीच में केबल्स डली रहती हैं मीलों अंदर, उसके थ्रू नेट कनेक्टेड होता है, मतलब वायर टू वायर कनेक्ट होके ही नेट चलता है कंट्री टू कंट्री। तो ये कैसे कनेक्टेड होती हैं वायर, कौन डालता है ये वायर, तो पूरी डिटेल बताऊँगा मैं आपको आगे पूरी प्रोसेस के साथ। वायर इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये एक तरीके जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट बनाया, उसको ख़रीदा किसने, उसको ख़रीदा होलसेलर ने, होलसेलर ने किसको दिया, रिटेलर को, रिटेलर ने किसको दिया, आपको। तो मतलब इसमें चार लोग हो, तीन लोग आपके हो गए। तो सेम प्रोसेस होती है इंटरनेट की। इंटरनेट में टायर वन होते हैं, टायर टू होते हैं, टायर थ्री होते हैं। टायर वन वो होते हैं जिन्होंने ओशियंस के अंदर ओशियंस के वायर डाली हो, जो वायर डलती है उस वायर का नाम होता है सबमरीन वायर, जो ऑप्टिकल वायर जो डलती है सी के अंदर, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है। तो वो जो वायर डालता है वो होता है टायर वन, मतलब वो उनके हो गए हैं। तो उनका कोई चार्ज लगता नहीं है, एक बार वायर डाल दिया तो हमेशा के लिए हो गया, पर वो मेंटेनेंस होता है, इस चक्कर में इंटरनेट के पैसे लगते हैं, नहीं तो वैसे कोई चार्ज नहीं होता है। खाली एक बार जो वायर डल गई सिर्फ उसी कॉस्ट लगती है, उसके बाद उसको मेंटेन करना रहता है, कहीं पानी में टूट ना जाए, कोई शार्क ना खा जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देन टायर वन वाले टायर टू को देते हैं। जैसे किसी कंट्री के बाहर पे उसने अपने अंदर वाले को दे दिया, रिटेलर वाले को, वो टायर टू वाले ने, उसने ले लिया, उसने कुछ कॉस्ट में या 1 GB जो भी GB के रेट से उसने खरीद लिया, उसने वही का वही आगे थर्ड पार्टी वाले टायर थ्री को दे दिया रिटेल, उसने जिस GB के रेट से लिया उसने यूज़र को बहुत आगे के रेट से दिया। तो ये एक तरीके से साइकिल चलती है जिससे इंटरनेट पूरे इंडिया में फैला जाता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ ये एक्चुअली वर्क कैसे होता है। केबल होती हैं उसको ऑप्टिकल फाइबर केबल बोला जाता है। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये ऐसे ओशियंस और सी में ऐसे इंस्टॉल करी जाती है और ऐसे इसको पूरी तरह से अंदर डाला जाता है और बहुत तरह से उसकी कवरिंग करी जाती है कि इजीली ये खराब ना हो। तो ये दिखती कैसे, ये तो हो गया ऊपर से, ये अंदर से ऐसे होती है। आप देख रहे हैं कितनी कोट से ऊपर कितनी जरा से कवर होता है, ये जो एक एक जो उसका रेशो है एक बाल की तरह पतला होता है और एक एक रेशो से कम 100 GB का डेटा पर सेकेंड ट्रांसफर हो जाता है। तो ये होती है सबमरीन केबल जो कि ऑल वर्ल्ड में बिछी हुई है, ओशियन से कनेक्टेड रहती हैं। तो इसको देखने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता दे रहा हूँ, submarinecablemap.com। ये केबल है जिन्हों जो जो कि पूरी जगह बिछी हुई है, पूरे ऑल वर्ल्ड में जो भी बिछी हुई केबल्स होती हैं सबमरीन, ये दिखाता है। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये पूरी ऑल वर्ल्ड में ऐसे सबमरीन केबल कनेक्टेड है सर्वर के थ्रू और ऑप्टिकल वायर के थ्रू। तो चलिए अपन इंडिया में चलते हैं। इंडिया में देख सकते हैं दोस्तों, ये सब ये नहीं, इंडिया में आप देख रहे हैं दोस्तों, इंडिया में ये चार तरह से कनेक्टेड है, चार जगहों से। बॉम्बे में हो गया, चेन्नई में हो गया, तिरुपति में हो गया, ये यहाँ से चार जगह से, पांच जगह से कनेक्टेड है। तो पर सबसे ज़्यादा कनेक्टेड कहाँ से हैं, बॉम्बे से। बॉम्बे से कितने सारी वायर्स कनेक्टेड है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पर्टिकुलर दूसरी कंट्रीज में कनेक्टेड है। और उसके बाद चाइना, ये चेन्नई से आप देख रहे हैं, चेन्नई से कनेक्टेड है, यहाँ से श्रीलंका से कनेक्टेड है, ये हर जगह से कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्टेड होती हैं ऑप्टिकल वायर्स, इसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है दूसरी कंट्री से और वहाँ से अपन को इंटरनेट का डेटा दोबारा प्राइवेट होता है। तो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, होता ये है, मान लीजिए ये जो बिछाने वाले होते हैं ये टायर वन होते हैं, टायर वन जिन्होंने ये पूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया। अब इन्होंने तो अपना खर्चा लगा दिया और इंटरनेट यहाँ से फ्री एक्सेस कर पा रहे हैं वन टाइम पेमेंट करने के बाद। होता क्या है, ये यहाँ पर बहुत सारी केबल्स लगाते हैं, चार से पांच जगह केबल्स लगाते हैं कि अगर एक आध कोई ब्रेक भी हो जाती है, टूट जाए, तो ये इजीली वर्क करता रहा, इंटरनेट करप्ट ठप ना हो, बंद ना हो, डाउन ना हो। तो ये इसलिए इसकी मेंटेनेंस करती है, सिर्फ मेंटेनेंस का कॉस्ट लगता है, बाकी इंटरनेट तो वन टाइम फ्री हो जाता है, उसके बाद कोई चार्ज नहीं लगता, इसको मेंटेन करने का चार्ज लगता है। तो होता क्या है, जो जिन्होंने ये बिछाया ये टायर वन होते हैं, ये क्या करते हैं, टायर वन इन्होंने तो बिछा लिया, ये आगे टायर टू वाले को देते हैं, फिर टायर थ्री वाले को देते हैं, फिर अपने पास डेटा आता है। तो ये अपने पास आते आते इसका चार्जेस लग जाते हैं, जैसे इन्होंने GB के हिसाब से टायर टू को दिया, जो भी पर्टिकुलर रेट से इन्हें GB के हिसाब से टायर टू को दे दिया, टायर टू ने आगे और अपना कमीशन लगा के, अपना ऐड लगा के उन्होंने टायर थ्री को दे दिया,
फिर वहाँ से उन्होंने अपन को प्रोवाइड कर दिया अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के। ऐसे ही डाटा चलता है, इंटरनेट ऐसा वर्क करता है। होता क्या है, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बॉम्बे का है, ये बॉम्बे में कितने सारे केबल्स कनेक्टेड हैं आप देख रहे हैं, पूरे नाम आ चुका है एशियंस एरिया, ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। तो सबसे ज़्यादा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़ होता है या सब मेन केबल यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा बॉम्बे में ही यूज़ होती हैं। ऐसे यहाँ से नेटवर्क वर्क करता है, ये एक एक नेट पे 100-100 GB का डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। पर्टिकुलर आप देख रहे हैं सारी कंट्रीज से ऐसे ही कनेक्टेड है। इसका एक्चुअली वर्क होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट वर्क खोली, google.com या facebook.com, आपने खोली कहाँ से, दिल्ली से, आपने दिल्ली से खोली। अब दिल्ली में वो खुद का सर्वर तो है नहीं, दिल्ली ने भी कहीं से कोई छोटे tier 3 या tier 2 से किसी से सर्वर से लिया होगा। तो ये पहले आपकी कमांड जाएगी उसके पास, उसने अगर मान लीजिए tier 2 से लिया हुआ है तो पहले वो आगे भेजेगा tier 2 को, फिर tier 2 वाला किसको भेजेगा, tier 1 को यहाँ, फिर यहाँ से ये आगे जाएगा जो सी कंट्री में जाना है, फिर उस कंट्री ने आगे tier 2 tier 3, ऐसे करके ऐसे नेटवर्क वर्क करता है, इंटरनेट ऐसे वर्क करता है। होता क्या है, tier 1 होते क्या है, tier 1 उन्होंने तो यहाँ बिछा दिया, अब tier 2 क्या होता है, उन्होंने यहाँ से लिया, इनसे जो भी चार्ज में खरीदा और इन्होंने वहाँ पर नेटवर्क बिछा दिया। लाइक इन्होंने अपने स्टेट्स में या कोई भी सिटीज़ में आगे जाके टायर, ये इन्होंने स्टेट्स वाइज बिछा दी केबल्स, ये तो खाली बाहर बाहर क्यों गई, इन्होंने स्टेट्स वाइज या अंदर इंटरनल इंडिया में बिछा दी। तो tier 2 से tier 3 ने लिया, उन्होंने उसको और सब यूनिट्स कर लिया, उन्होंने सिटीज़ वाइज लिया। अब tier 3 ने वालों ने जो छोटे छोटे केबल्स हैं, आप टिकोना हो गया या जो भी छोटे नेट ब्रॉडबैंड होते हैं, उन्होंने इसको स्टेट्स वाइज और एक एक कॉलोनी वाइज डिवाइड कर दिया टावर के थ्रू। होता क्या, एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, ऑप्टिकल केबल से, इंटरनेट कोई सैटेलाइट से वर्क नहीं करता है। ये इन्होंने क्या करा है, टावर तक अपनी कनेक्शन पहुंचा दिया। एक सबमरीन केबल जो यहाँ से बॉम्बे से कनेक्टेड थी, वो पर्टिकुलर या कोई सी भी जगह से कनेक्टेड थी, इन्होंने एक टावर के थ्रू वहाँ तक पहुँच गए। अब मान लीजिए आपके एरिया में कोई टावर लगा है, वो कैसे कनेक्टेड है, केबल से, उस टावर से आपके पास वायरलेस आ रहा है, बाकी कनेक्टेड तो आप केबल से ही हैं, बस सिर्फ टावर ही आपको वायरलेस का काम कर रहा है, बाकी ऑल कनेक्टेड आप वायर से। मान लीजिए आपने बैठे हैं आप अपने घर से, आपने कोई वेबसाइट खोली, तो सबसे पहले किसके पास जाएगी, वो उसके पास जाएगी जो कि आपके पास नेटवर्क लगा हुआ है, नेटवर्क के पास से जाएगी टावर के पास, टावर से जाएगी tier 2 के पास, tier 3 के पास, ऐसा होता है। tier 1 जो अपने यहाँ पर काम करते हैं इंडिया में, टाटा कम्युनिकेशन जो सबसे बड़ा ब्रांड है जो पहले से चलाते हैं, उसके बाद और भी tier 2 में आप कह सकते हैं जियो, आइडिया, एयरटेल, फोन, वोडाफोन, बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जो tier 2 चलाती हैं। ऐसे करके इंटरनेट वर्क करता है एक्चुअल में। उसके बाद होता क्या है, अब यहाँ पर क्या होता था, मान लीजिए कुछ अपने कंट्री का जो डेटा रहता था इंडिया का, कुछ ऐसी वेबसाइट जैसे मान लिया अपने खोल लिया, अगर इसको इस सर्वर पर छोड़ देंगे सबमिट केबल्स के सर्वर पर, तो वो ऑल वर्ल्ड में फैल जाएगा और लीक हो जाएगा, डेटा की सिक्योरिटी तो कुछ रहेगी नहीं। इसके लिए इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, या फिर एक कह सकते हैं मिला जुला के एक चीज़ बनाई गई, जिसका नाम रखा गया निक्सी, नेशनल इंटरनेट, एक मिनट, निक्सी, NIXI, ये एक निक्सी करके बनाया गया, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि मोनिटराइज करता है कि अपने इंडिया में डेटा कितना चलता है और बाकी दूसरी कंपनी में कितना डेटा यूज़ होता है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये आप देखेंगे, ये बता रहा है आपको ट्रैफिक ग्राफ ऑफ ईच लोकेशन। बॉम्बे में डेली पर सेकेंड में 60 GB का डेटा ट्रांसफर होता है सबमिट केबल के थ्रू। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बॉम्बे में होता है 60 GB, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पर कनेक्टेड है सबमिट केबल्स। उसके बाद आए आप दिल्ली में 56 GB डेटा पर सेकेंड ट्रांसफ़र होता है, चेन्नई में 40 GB, और ये कोलकाता में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर अभी यूज़ नहीं हो रहा है तो इसलिए हम कम बता रहे हैं। ये पर सेकेंड का डेटा बताता है कि कितने कितने सेकेंड्स में चलता है। अब होता क्या है, अब इंडिया में ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपने सब छोटे छोटे सर्वर क्रिएट कर दिए हैं, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और छोटी छोटी जगहों पे इन्होंने अपने अलग से सर्वर। अब होता क्या है, आपने मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अपनी लोकल इंडिया की कोई भी वेबसाइट खोली, पहले होता क्या था, वो पहले आपने जैसे दिल्ली में बैठे हो, आपने कोई वेबसाइट खोली इंडिया की, वो पहले बॉम्बे जाएगी, फिर बॉम्बे से दूसरी कंट्री, फिर वहाँ से कनेक्ट हो गया, ऐसे आती थी। अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जो इंडिया की वेबसाइट है वो सिर्फ इंडिया में ही डेटा घूमे, बाहर से डेटा ना जाए। तो वो जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली में बैठे हैं, आपने कोई वेबसाइट खोली इंडिया की, वो जाएगी पहले बेंगलोर, फिर बेंगलोर से जहाँ भी वो वेबसाइट बनी है वहाँ पर जाएगी, और वहीं के वहीं इंडिया का डेटा इंडिया में रह जाएगा और सिक्योरिटी बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने ऐसा NIXI सर्वर को क्रिएट कर दिया।
और एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है तो उसका मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा डेमो जो आपको लगेगा अगर आपने अपने पीसी में या अपने लैपटॉप में, आपको अपने पीसी लैपटॉप में खोलना है कमांड, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ट्रेसर लिखने के बाद आपको यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखना है, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा एक्चुअली वर्क कैसे करता है, इंटरनेट कनेक्ट टू कनेक्ट कैसे होता है। मैंने यहाँ पर डाल दिया google.com, आप देख सकते हैं ये सबसे पहला जो आ गया है ये मेरा आईपी एड्रेस आ चुका है। ये कितनी स्टेप लेगा आप देखिएगा, वन पर्टिकुलर स्टेप चलता जाएगा स्टेप टू स्टेप। उसके बाद मैं आपको आईपी एड्रेस सर्च करके बताऊंगा कौन सी लोकेशन का कौन सा आईपी एड्रेस, ये पूरा बताएगा। ये देख रहे हैं कितनी जगह जा रहा है, ये कनेक्ट सर्वर टू सर्वर कनेक्ट होता ही जा रहा है। लाइक पहले टायर थ्री से टायर टू के पास गया होगा, टायर टू से टायर वन के पास गया होगा, वन से फिर दूसरी कंट्री के टायर वन पर गया होगा, फिर वहाँ से टू थ्री ये वहाँ तक पहुँचा होगा। तो इसलिए ये पूरा टाइम बता रहा है, ये नेट स्लो होने की वजह से इतना टाइम ले रहा है, नहीं तो अब तक ये बता देता। लास्ट में जब ये पूरा डन हो जाएगा तो वहाँ पर लिखा जाएगा ट्रेस कंप्लीटेड, आपको बताता हूँ मैं वो भी। पूरा सा टाइम ले रहा है जब तक, मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ जिससे आपको पूरा पता लग जाएगा। यहाँ पर लिखना है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, ये वेबसाइट खोल ली मैंने। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर सीएमटी पे, ये देख सकते हैं ट्रेस कंप्लीट हो गया। तो मैं सबसे पहले वाला जो है इसको मार्क करके आपको उसको कॉपी करके बताता हूँ ये कहाँ की लोकेशन है, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ गेट माय आईपी। अभी देखेंगे मेरा जियो का नेटवर्क बता रहा है कहाँ का, इंडिया का भोपाल का, मैंने भोपाल से इसको लॉग इन करा। ठीक है, पहला आईपी एड्रेस हो गया, मतलब ये यहाँ से गया होगा टायर थ्री के पास, तो जो एक्चुअली वर्क करता है। अब मैं दूसरा उठाता हूँ, मेरे हिसाब से दूसरा ये कहाँ का होगा अभी पता लगेगा आपको। दूसरे पे गए, दूसरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ये दूसरा आईपी एड्रेस कहाँ का है, ये भी जियो का है और ये इंडिया का है, मतलब ये इंडिया के टायर थ्री तक या टायर टू तक मेरा पहुंच चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से तीसरा उठाता हूँ, ये कहाँ का है, तीसरा उठा के मैं तीसरा कॉपी करता हूँ। मतलब इनका खुद का सर्वर है, इन्होंने किसी से नेट लिया नहीं हुआ, जियो वालों ने ये डायरेक्टली खुद के सर्वर से उसको एक्सेस करवा रहे हैं, कोई बीच में कोई टायर टू टायर थ्री नहीं है, खुद ही का सर्वर है इनका। ये भी जियो का सर्वर है आप देख रहे हैं, ये भी जियो का है, ये भी इंडिया का ही है, तो मतलब ये टायर वन तक पहुंच चुका है। अब मैं उठाता हूँ यहाँ से चौथा, अब ये कहाँ का है ये पता चलेगा अपन को सर्च करने के बाद। तो इससे क्या आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एक्चुअली इंटरनेट वर्क कैसे करता है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इससे ईजिली क्लियर हो पाएगा, आपको स्टेप पता चल पाएंगे एक्चुअली इंटरनेट वर्क कैसे करता है। वो तो मैंने आपको डेमो बता दिया था, एक तरीके से ये पूरा एग्जांपल होगा लाइव डेमो, जिसे आप खुद भी करके देख सकते हैं कि कैसे एक्चुअली इंटरनेट वर्क करता है। ये भी जियो का सर्वर है और ये भी इंडिया का ही बता रहा है, तो अभी इंडिया में ही बेसिकली है। तो अब मैं यहाँ पर उठाता हूँ सेवन, लास्ट वाला बीच में छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यहीं के ही है, ये लास्ट वाला उठाता हूँ यहाँ से, फिर उसके बाद नीचे पहुँचूँगा तो वहाँ दूसरी कंट्री में वो पहुँच जाएगा। मतलब इसमें बहुत सारे मीडिएटर बीच में हैं, ये वाला खोलते हैं, ये कहाँ का बताएगा, ये भी जियो का ही है, ब्रॉडबैंड है और ये भी इंडिया का एशिया का है, मतलब अभी ये पहुँच चुका है दूसरी लोकेशन पर जहाँ एक्चुअली है बॉम्बे में, देख रहे हैं आप ये नीचे बताने लगा बॉम्बे का, मतलब ये बॉम्बे का सर्वर पर पहुँच चुका है। अब इसके बाद जो वाला जो आईपी एड्रेस होगा वो दूसरी कंट्री का ही होगा गारंटीड है। मैं वाला दूसरा उठाता हूँ आप यहाँ से, ये यहाँ पर गए कॉपी करा, देन उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं आ गया आईपी एड्रेस गूगल का, क्योंकि मैंने google.com खोला था, गूगल का आईपी एड्रेस आ गया कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का, नॉर्थ अमेरिका का, पूरा एड्रेस आ चुका है। मतलब आपको पता लगे अभी उसके सर्वर पे वहाँ तक पहुँच चुका है। अब मैं यहाँ से दूसरा उठाता हूँ तो ये वहाँ पर लोकल सर्वर पे पहुँच जाएगा उनके, और वहाँ तक कमांड पहुँच जाएगी। तो ऐसे एक्चुअली इंटरनेट वर्क करता है सर्वर टू सर्वर ऑप्टिकल केबल के थ्रू। पहले यहाँ से जो मैंने यहाँ भोपाल से भेजा था इंडिया के सर्वर पे गया, वहाँ बॉम्बे तक गया, बॉम्बे में कितने कनेक्टिविटी कितने सारे आए, उसके बाद दूसरे कनेक्टेड होके उनके पास पहुँच चुका है। ये देखेंगे ये वहीं पर अमेरिका का
पहुंच चुका है। एक्चुअली इंटरनेट ऐसे ही वर्क करता है, जो कि एक मैं लाइव डेमो के हिसाब से बता दिया। और सबमरीन केबल का जो भी मैं आपको लिंक है, मैप वाला केबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इससे आप इजीली उसको देख के खुद समझ पाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।